जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अड्डा 247 एसएससी एंड रेलवेज पर। मेरा नाम है कमलदीप सिंह और मैं एक बार फिर से आ गया हूं आपके सामने लेकर एक रीजनिंग का बेहद इंपॉर्टेंट सेशन, जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और बेसिकली हम क्या करते हैं, इजी होने के साथ साथ उन क्वेश्चन को गलत कर बैठते हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चन होते हैं बट किसी अप्रोच गलत अप्रोच के कारण उन क्वेश्चन को हम गलत आंसर दे देते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चन को कैसे सही किया जाए, क्या हमारा आंसर होना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है। और उससे पहले मैं देरी से आने के लिए सभी से माफी चाहता हूं, ठीक है, थोड़ा लेट हुआ आने में आज, तो उसके लिए सभी से माफी चाहता हूं। और अभी सेशन को स्टार्ट कर दिया है हमने, और जो हमारा जो आज का टॉपिक होने वाला है वो आज हमारा कुछ मिक्स क्वेश्चन हम यहाँ पर करने वाले हैं आज, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपके एनालिटिकल रीजनिंग से होंगे, कुछ क्वेश्चन आपके एनालॉजी से होंगे, कुछ क्वेश्चन आपके मिसिंग टर्म से होंगे। बेसिकली जो चैप्टर मैं आपको करा चुका हूँ उसका आज मैं रिवीजन यहाँ पर कराने वाला हूँ, ठीक है। सारे का सारा रिवीजन मैं आपको आज यहाँ पर कराऊंगा। तो जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए, ठीक है, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस बता देता हूँ, कितना सिलेबस हमने कंप्लीट कर लिया है और कितना सिलेबस हमारा बाकी रह चुका है, ठीक है। तो जो बाकी का बचा हुआ सिलेबस है वो कितने दिन में हम कंप्लीट कर लेंगे, हमारी उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी है, वो मैं आज आपको सारी बताऊंगा, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूं कि ये क्लास जो होती है आरआरबी एनटीपीसी के लिए होती है, जो लोग नए हैं, और ये क्लास होती है भैया रीजनिंग की। टाइम सभी को पता है, आपका टाइम होता है यहां पर 11 AM, टाइम होता है आपका 11 AM। तो अंतरा मैम सभी को गुड मॉर्निंग बोल लिया है यहां पर, ठीक है। चलिए अब रीजनिंग का मैं बता देता हूं, रीजनिंग दे आर 3 types of reasoning, तीन टाइप, दो टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं यहां से। एक तो आता है वर्बल रीजनिंग, दूसरा आपका आता है नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है, हाँ, वर्बल रीजनिंग एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। अब वर्बल रीजनिंग जो होती है ये आपकी होती है भैया तीन टाइप की। पहला आता है इसका जनरल एबिलिटी टेस्ट या जनरल या मेंटली टेस्ट, इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं, जनरल एबिलिटी टेस्ट या जनरल मेंटल एबिलिटी। दूसरा आपका होता है लॉजिकल रीजनिंग, और तीसरा होता है आपका एनालिटिकल रीजनिंग। ठीक है, अब वर्बल रीजनिंग के कुछ चैप्टर हम यहां पर कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि जनरल मेंटल एबिलिटी से, और कुछ चैप्टर हमने कंप्लीट किए हैं लॉजिकल रीजनिंग से, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग से। क्लियर है, कुछ चैप्टर जनरल मेंटल एबिलिटी से कंप्लीट किए हैं और कुछ क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग से। हमारे जो चैप्टर बचे हुए हैं एनालिटिकल रीजनिंग हमारा पूरा का पूरा अभी बचा हुआ है, ठीक है, हमने अभी एनालिटिकल रीजनिंग को हाथ नहीं लगाया है। एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर कुछ चैप्टर आते हैं जैसे कि मशीन इनपुट हुआ और आपका इनइक्वालिटीज हो गया, पजल्स हो गया यहां पर, तो ये सब मैं आपको इसमें कराने वाला हूं, ठीक। नॉन वर्बल रीजनिंग के भी एक दो चैप्टर हम यहां पर कर चुके हैं, बाकी के बचे हुए चैप्टर भी मैं आपको कराने वाला हूं, ठीक है। लगभग हमने यहां पर 60% जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर लिया है, 40% का जो सिलेबस बचा हुआ है वो आपको कंप्लीट कराऊंगा, उसके बाद में आपका रिवीजन स्टार्ट कराऊंगा, ठीक है। अब जैसा कि आपने मुझे बताया था कि आपको कुछ टॉपिक्स में डाउट थे, जैसे कि आपका कुछ स्लोक्स था, ठीक है, कुछ लोगों को सिटिंग अरेंजमेंट में डाउट था, कुछ लोगों को डाइस वाले में, कैलेंडर में, क्लोक में, इसमें जो डाउट्स थे कुछ वो चैप्टर हैं उनके कंसेप्ट में आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, आज हम केवल प्रैक्टिस करेंगे यहां पर, जो हम पिछला पढ़ चुके हैं आज सारे क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए, 5 मिनट की देरी हुई इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। चलिए अब सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो आपके लिए मैं मिसिंग टर्म का यहां पर लेकर आया हूं। पहला क्वेश्चन जो है वो मिसिंग टर्म से रिलेटेड है, पहला क्वेश्चन मिसिंग टर्म से रिलेटेड है। क्या क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा और अच्छे से जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए है यहां पर,
चलिए ये क्वेश्चन आपको यहां पर दिया गया है और यहां पर दिया गया है 38 और आपको बताना है कि इस वाले बॉक्स के अंदर क्या आएगा। ठीक है, आपको हाँ बताना है कि इस बॉक्स के अंदर क्या आएगा। और पहला ऑप्शन दोस्तों यहां पर दिया गया है, पहला ऑप्शन दिया गया है यहां पर 198, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 158, ऑप्शन नंबर सी है 127, ऑप्शन नंबर डी है यहां पर 142। चलिए अब इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब, क्या लॉजिक यहां पर अप्लाई हो रहा होगा। तो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स, जो भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और मेरे कॉर्नर में यहां पर आप देख रहे होंगे वीडी सर आपको दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि उनका एक शो है द इंग्लिश नाइट, वो आने वाला है 6 अप्रैल को। तो सारे के सारे लोग, जो भी लोग और किसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो वो वीडी सर के शो को जरूर देखें। ठीक है, रात के 6 बजे 4 आवर की क्लास होने वाली है दोस्तों यहां पर, रीजनिंग जो आपके इंग्लिश है उसकी कंटिन्यूअस 4 आवर क्लास। बिल्कुल, तो आंसर दैट इज 142, आंसर दे रहे हैं 142। तो लॉजिक फाइंड कर लिया है कुछ लोगों ने, विजय कुमार ने सबसे पहले जवाब दिया है 142। चलिए देखो, सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, यहां पर लॉजिक फाइंड करना है कि इस क्वेश्चन का लॉजिक क्या होगा, और वो लॉजिक कैसे फाइंड करेंगे वो देख लीजिए। तो सबसे पहले देखो, हमारे पास 3 या 4 तरीके के लॉजिक यहां पर होते हैं। सबसे पहले या तो प्लस माइनस का लॉजिक होगा, या मल्टीप्लीकेशन डिवीजन का लॉजिक होगा, या डिवीजन माइनस का लॉजिक होगा, या डिवीजन प्लस का लॉजिक होगा। ठीक है, या फिर कुछ और इसके अलावा लॉजिक हो सकता है, दैट इज स्क्वायर का लॉजिक हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं स्क्वायर का लॉजिक नहीं हो, या फिर क्यूब का लॉजिक हो सकता है। तो ये कुछ लॉजिक होते हैं, बेसिकली यही आपके एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, 90% क्वेश्चन आपके इन्हीं लॉजिक से आते हैं, बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो किसी एक अल्टरनेट लॉजिक पर यहां से दे दिए जाते हैं। और वो लॉजिक्स क्या है वो सीखने के लिए मैं आपको जरूर बताऊंगा, एक सेशन में ऐसा लूंगा जिसमें आपको सारी ऐसी चीजें बताऊंगा जो रैंडमली एग्जाम में पूछी जाती हैं, जो मतलब कभी कभी एग्जाम में पूछी जाती है, यानी कि हमेशा वो एग्जाम में नहीं पूछी जाती, जो कभी कभी आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो आंसर बता रहे हैं यहां से 142, तो देख लेते हैं यहां लॉजिक हमारा क्या लग रहा है कि ये 38, इन चारों नंबर के कॉम्बिनेशन से मैं 38 कैसे निकाल सकता हूं। तो पहले मैं प्लस माइनस का लॉजिक करके देखता हूं, मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, तो 101 प्लस 15, तो इन दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास 116, कितना आ गया 116। अब मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, दैट इज 35 प्लस 43, तो कितना आ जाएगा 8 और 7, तो ये आ गया 78, ये कितना आ गया 78। अब मैं 116 में से 78 को अगर माइनस कर देता हूं तो कितना बचेगा मेरे पास, मेरे पास यहां से बचेगा आपका 38, कितना बचेगा 38। इसका मतलब ये मेरा लॉजिक है कि ऊपर वाली दोनों नंबर्स को ऐड किया और नीचे वाले दोनों को ऐड किया और उनको क्या कर दिया, माइनस यहां से कर दिया, तो मुझे ये वाला नंबर यहां से मिल गया। तो अब क्या करना है आपको, इस वाले नंबर को और इस दोनों को, इन दोनों को ऐड करना है और इन दोनों को ऐड करना है और क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो करिए, तो ये हो जाएगा आपका 48 प्लस 184, तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 8 और 4 12, 4 और 8 12 और 1 13, और ये आ जाएगा आपका 232, कितना आ गया 232। अब नीचे वालों को ऐड कीजिए, 56 और 34, कितना आ जाएगा आपका ये 90 आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से आप 90 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 14, तो डैट इज 142 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, और इसके प्लेस पर क्या आ जाएगा 142, यही आपका सही जवाब है। और ऑप्शन चेक कर लेंगे कौन सा है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्लियर है, क्लियर हो सभी को, सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब मैं साइड से हो गया हूं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। ठीक है, चलिए एक अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है और उस क्वेश्चन को करते हैं। तो कंप्यूटर जी एक क्वेश्चन दिखा दीजिए यहां पर हमें, बिल्कुल, तो क्वेश्चन दिखा दीजिए जल्दी से, क्या क्वेश्चन है हमारे पास, चलिए। हाँ तो श्रीन सिद्ध जी की आज आपका मिक्स टॉपिक है, सारे मिक्स क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं, कुछ क्वेश्चन मिसिंग टर्म से होंगे, कुछ एनालॉगी से होंगे, कुछ सीरीज से होंगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दिया गया है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, मास, किलोग्राम, वॉल्यूम, क्वेश्चन मार्क। तो आंसर आ रहा है दैट इज लीटर। तो आपको पता है कि जो मास है वो किलोग्राम में मापते हैं, मास है उसको किलोग्राम में मापते हैं, मीजर करते हैं, जो वॉल्यूम है उसकी मीजर किस में करते हैं, हम लीटर में करते हैं। सो राइट आंसर क्या होगा यहां पर, इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लीटर।
ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो होते हैं ना एनालॉजी के फ्री के क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ा सा आपको अपना जी के यूज करना होता है, बाकी इसमें कुछ नहीं होता। जो अल्फाबेटिकल वाले आते हैं उसमें थोड़ा सा आपको लॉजिक यूज करना होगा, जैसे कि आपको अल्फाबेटिकल में कोडिंग वाला कुछ यूज कर सकते हैं, प्लेस वैल्यू अगर आपको याद है तो वो क्वेश्चन में आप इजीली यहां से कर लेते हैं। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, दिखा दीजिए कंप्यूटर जल्दी से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि फोक्स रिलेटेड है विक्सिन से, और आपको बताना है कि सेम एज, चार ऑप्शन दिए गए हैं, बटरफ्लाई कैटरपिलर, स्टैग डोए और कॉल्ड हॉर्स एंड बी ड्रोन। तो क्या होगा अगले क्वेश्चन का सही जवाब, चलिए जल्दी से जवाब दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। लोमड़ी विक्सिन, अगला क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान से पढ़ो और जल्दी से मुझे जवाब बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए तो आंसर कुछ लोग बता रहे हैं कोल्ट और हॉर्स, ऑप्शन नंबर डी, कुछ लोग डी बता रहे हैं। देखो डिफरेंस आंसर, डिफरेंट आंसर्स हमारे पास आने लगे, एनालॉजी का क्वेश्चन है और काफी लोग इसका गलत आंसर दे रहे हैं, ठीक है, काफी लोग इसका गलत आंसर दे रहे हैं, काफी लोग के सारे लोग लगभग डी आंसर दे रहे हैं इसका। विक्सिन में बता देता हूं, देखो एक होता है फॉक्स, फॉक्स क्या होता है लोमड़ी, और विक्सिन होता है इसका मेल वर्जन, ठीक है, ये क्या होता है फीमेल वर्जन होता है और ये होता है इसका मेल वर्जन, ठीक है। इसी तरीके से आपको बाकी चार ऑप्शन दिए गए थे और आपको यहां पर पता करना था कौन सा मेल वर्जन है और उसके साथ जुड़ा हुआ उसका कौन सा फीमेल वर्जन है। तो यहां पर एक ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा होगा, दैट इज स्टैग एंड डी ओ ई डॉय, स्टैग होता है आपका मेल डियर और ये होता है आपका फीमेल डियर। अब डियर होता है आपका, क्या होता है डियर माने हिरन, ठीक है। सो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, स्टैग को बारह सिंगा भी बोलते हैं और ये फीमेल बारह सिंगा होती है डॉय, ठीक है। चलिए हाँ अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज पी क्यू आर एस, रिलेटेड है ओ ओ क्यू क्यू से, तो आपको बताना है कि डी ई एफ जी किससे रिलेटेड होगा। हाँ चलिए देखिए, ये दिया गया है पी क्यू आर एस, रिलेटेड है ओ ओ क्यू क्यू से, आपको बताना है कि डी ई एफ जी किससे यहां पर रिलेटेड होगा। तो उससे पहले आपको क्या करना है, लॉजिक यहां पर फाइंड करना है। हाँ चलिए, अब जितने लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं जल्दी से एक बार शेयर कर दो, सेशन को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। इसके बाद आपको एक शानदार सा क्वेश्चन कराने वाला हूं मैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास जवाब आ रहा है इसका, चलिए चेक कर लेते हैं। देखो लॉजिक की बात करते हैं तो प्लेस वैल्यूज की कितनी होती है दोस्तों, 16 होती है, ये 17 होती है, ये 18 होती है और ये 19 होती है, ठीक है। ये होती है आपकी 15, ये भी 15, 17 और ये भी 17। अब मैं यहां से इसको अगर कनेक्ट करता हूं तो कितने का लॉजिक है, यहां से -1 का लॉजिक है, 17 से फिर सेकंड वाले को कनेक्ट करता हूं तो ये -2 का लॉजिक है। इसी तरीके से R को मैं थर्ड वाले से Q से रिलेट करता हूं तो 18 और 17 -1 का लॉजिक है, और S से अगर मैं रिलेट करता हूं किसको, इसको, तो ये -2 का लॉजिक है। तो -1 -2 -1 -2, तो समझ गए आप लॉजिक क्या है। तो यहां से आपको क्या करना है, -1 तो क्या जाएगा C, यहां से -2 करना है तो इसका क्या होता है 5, और 5 से अगर -2 करोगे तो क्या आएगा 3 आएगा, तो 3 में क्या नंबर होता है C, अब यहां से फिर से -1, ये क्या होता है 6, अब 6 से -1 5, तो आ जाएगा E, अब यहां से -2 करेंगे 7 होता है, 7 से -2 5, दैट इज E, ठीक है। तो सी सी ई ई जो कि आपका है ऑप्शन नंबर डी, ये होगा आपका सही जवाब, और लॉजिक भी आपने यहां से फाइंड कर लिया इसका, बिल्कुल सही जवाब दिया सारे लोगों ने यहां पर, ठीक है। चलिए
चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए यहां पर इस तरीके से है, ये एक क्वेश्चन यहां पर दिया गया है कि 01 इफ 01, सर बोर्ड पर दिखा दीजिए मुझे पूरा, 2 3 इक्वल्स टू 9, 1 2 3 4 इक्वल्स टू 15, 2 3 4 5 23, देन आपको बताना है कि 3 4 5 6 इक्वल्स टू व्हाट। ऑप्शन दिया गया है ए 37, बी ऑप्शन दिया गया है आपके पास 36, सी ऑप्शन यहां पर दिया गया है 26, और डी ऑप्शन आपके पास दिया गया है 33। चलिए तो क्वेश्चन ये है आपके पास, आपको जवाब देना है क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अब जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, कौन सबसे पहले लॉजिक बताता है। तो आंसर आ रहा है 33, आंसर हमारे पास आ रहा है 33, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो लगता है लॉजिक फाइंड हो गया है, आंसर डी आ रहा है। तो देखते हैं यहां पर लॉजिक क्या है और क्या होगा इसका सही आंसर। ठीक है देखो, तो पहले मुझे टर्म्स क्या दी गई है, ये दिया गया है कि 0 से 3 तक नंबर लिखे गए हैं और यहां पर दिया गया है 9। अब इन तीनों से 9 में कैसे निकाल सकता हूं, या फिर किसी 2 से मैं 9 कैसे निकाल सकता हूं। तो मेरे पास एक लॉजिक है, मैं क्या करता हूं, इस 3 का स्क्वायर करता हूं। तो 3 का स्क्वायर माइनस, ये पहला नंबर माइनस कर देता हूँ 0, तो कितना आ जाता है यहाँ से 9 मेरे पास आ जाता है। सेम एज मैं इसके साथ करता हूँ, 4 का स्क्वायर करता हूँ और 1 को माइनस कर देता हूँ, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 16 में से एक गया 15। सेम एज मैं यहाँ करूँगा, 5 का स्क्वायर करूँगा और पहले नंबर को 2 को माइनस कर दूंगा, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस के 2 कितना आ गया 23। तो सेम एज यहाँ पर होगा, 6 का स्क्वायर करना होगा आपको, माइनस 3 करना होगा, तो 36 में से 3 गया 33। सो राइट आंसर 33 डैश इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुआ? सो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुआ सभी को, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन दिखा दीजिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4, और यहां पर दिया गया है, हाँ लॉजिक बताया है हमें पीयूष कुमार गुप्ता जी ने कि लास्ट का स्क्वायर माइनस फर्स्ट, बिल्कुल सही जवाब दिया है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है कि पी क्यू आर जो है वो रिलेटेड है आपके एम एन ओ से, पी क्यू आर रिलेटेड है एम एन ओ से, तो आपको बताना है कि डी ई एफ किससे रिलेटेड होगा, ये आपको बताना है। चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। आंसर आने लगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए चेक कर लेते हैं यहां पर क्या होगा इसका सही जवाब। देखो यहां पर प्लेस वैल्यू 16 होती है, 17 होती है और 18 होती है, ठीक है, यहां पर 13, 14 और 15। तो मैं बात करता हूं तो यहां से कितना लॉजिक है, ये माइनस 3 का, 17 से 14 माइनस 3 का, 18 से 15 माइनस 3 का, माइनस 3 का लॉजिक यहां अप्लाई हो रहा है। तो ये होता है 4 माइनस 3, आप यहां से करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि ए आ जाएगा। यहाँ से 5 होता है, इससे माइनस 3 करेंगे तो 2 यानी बी आ जाएगा। यहाँ 6 होता है आपका, माइनस अगर 3 आप करते हैं तो 3 यानी कि सी। तो राइट आंसर क्या होगा, ए बी सी। तो सी इसका क्या होगा आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल, तो विवेक सिंह जी आपका नाम मैंने ले लिया है, टेंशन ना लो। चलिए इतने कमेंट आते हैं, अगर मैं किसी का नाम ना भी लूँ ना तो बुरा मत माना कीजिए, क्योंकि इतने कमेंट आते हैं तो जल्दी जल्दी में मैं पढ़ नहीं पाता नाम। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, क्वेश्चन मिसिंग टर्म का क्वेश्चन है, दैट इज 49, 100, 64, 936 एंड यहाँ पर 4
और दिया गया है 81 125, इसके नीचे 19 क्वेश्चन मार्क एंड 15। ऑप्शन दिए गए हैं आपको 14 17, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है यहां पर 16 एंड 18। चलिए तो बताइए इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या आएगा, जल्दी से बताइए सोल्व करके। तो भैया जितने लोग अभी हमें देख रहे हैं जल्दी से शेयर कर दो, सेशन को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। जल्दी से एक बार शेयर कर दो, जितने लोग अभी देख रहे हैं सारे के सारे शेयर कर दो, लाइक कर दो अभी के अभी, क्योंकि 180 देख रहे हैं और ओनली 60 लाइक्स हैं, 1/3 लाइक हैं, कम से कम यार 100 के ऊपर तो होने चाहिए। जल्दी से लाइक कर दो सेशन को एक बार। तो आंसर आ रहा है 17, तो आंसर आने लगा हमारे पास 17 इसका आंसर होगा। चलिए देखो लॉजिक फाइंड करते हैं, लॉजिक यहां पर क्या होगा। तो देखो 49 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, 81 दिख रहा है, तो मुझे दिख रहा है कि सारे के सारे क्या हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। सारे के सारे क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। तो हो सकता है कुछ ऐसा रूल यहां पर लग रहा हो कि परफेक्ट स्क्वायर का यहां पर यूज हो रहा हो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, परफेक्ट स्क्वायर का मैं यूज यहां पर करता हूं। तो इसका अगर मैं वर्गमूल अंडर रूट यहां से फाइंड करता हूं तो कितना आ जाता है, ये 7 आ जाता है, कितना आ जाता है 7। इसका अगर स्क्वायर रूट फाइंड करता हूं तो ये 3 आ जाता है, और इसका स्क्वायर रूट फाइंड करता हूं तो 9 आ जाता है। और अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं, 7 + 3 = 10 और 9 = 19 मिल जाता है मुझे, ठीक है। यानी कि 7 + 3 + 9 = 19। सेम एज यहां पर इसका अगर मैं अंडर रूट करूंगा तो 10 आएगा, इसका अंडर रूट करूंगा तो 6 आएगा, और इसका करूंगा तो 1 आएगा। तो 10 + 6 = 16 और 1 = 17। तो यहां पे क्या आ जाना चाहिए, 17 आपका आना चाहिए, ठीक है। सेम लॉजिक यहां पर लग रहा है, ये 8 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो 8 2 10 5 15। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 17। क्लियर हो सभी को, 17 क्या होगा इसका सही जवाब होगा यहां पर, ओके। चलिए अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। तो अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है देखते हैं यहां पर, देखिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है एकदम, ठीक है, एकदम प्री लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। दैट इज 7 343, 9 क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो देखो इतना इजी क्वेश्चन है कि एक सेकंड में इसका आंसर यहां से आ जाना चाहिए, ठीक है। हाँ देखो यहां से दिया गया है कि अगर आप 7 का अगर क्यूब करते हो तो आपको मिल जाता है 343, तो इस क्वेश्चन में बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे यहां पर। और 9 का अगर आप क्यूब कर दोगे यहां से तो आपको मिल जाएगा 729। सो राइट आंसर क्या होगा, 729, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये बहुत हलवा क्वेश्चन था एकदम से, तो हमने एकदम से इसको कर लिया। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को कीजिए जल्दी से, फिर मैं आपको एक खतरनाक क्वेश्चन देता हूं यहां पर, इसके बाद एक अच्छा क्वेश्चन आने वाला है, इस क्वेश्चन को सोल्व करो उसके बाद एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दूंगा आपको। चलिए तो जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। हाँ विजय यादव जी, एनटीपीसी क्लास में बता देता हूं आपको, देखो 10 बजे आपकी मैथ की क्लास होती है एनटीपीसी के लिए, 11 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास होती है, और 12 बजे आपकी जीएस की क्लास होती है, ठीक है। तो टाइम टेबल ये है, डेली आपका मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है यहां पर, ये मंडे टू फ्राइडे क्लास चलती है, 10 बजे मैथ, 11 बजे रीजनिंग। हाँ चलिए देखो ये दिया गया है यहां पर क्वेश्चन में, दैट इज 13 रिलेटेड है 167 से, तो आपको बताना है कि 15 किससे रिलेटेड होगा, ठीक है। तो आपको पता है कि 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। अगर आप 169 से 2 माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाता है 167।
इसी तरीके से 15 का स्क्वायर होता है आपका 225, माइनस 2 आप यहां से कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 223। सो राइट आंसर होगा 223, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो हल्का क्वेश्चन था ये भी। अब आपके सामने एक बहुत थोड़ा ठीक लेवल का क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, जो कि मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा और मुझे बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। तो क्वेश्चन है आपके पास 4, 9 एंड 6। आगे दिया गया है 9, 16 एंड 12। उसके आगे दिया गया है 16 और यहां पर 20। चलिए तो बताइए कि क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर यहां पर क्या आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपके पास दिया गया है 21, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है यहां पर 25, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 50 एंड ऑप्शन नंबर डी यहां पर दिया गया है आपके पास 21, 25, 50 और 60। चलिए तो बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। जल्दी से बताइए। तो आंसर आ रहा है हमारे पास 25। ऑप्शन नंबर बी इसका जवाब आ रहा है। चलिए देख लेते हैं क्या होगा सही जवाब। तो लॉजिक आपको फाइंड करना है कि लॉजिक यहां पर क्या है। ठीक है, इन दोनों के यूज से ये बन सकता है या फिर इन दोनों के यूज से ये बन सकता है। ठीक है, कुछ ऐसा लॉजिक यहां पर लग रहा होगा कि इसी दो नंबर के यूज से एक नंबर बनना होगा यहां पर। अब वो लॉजिक क्या है, तो मुझे एक चीज दिखी कि ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए और ये भी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ठीक, अब ये परफेक्ट स्क्वायर है और इसका अगर मैं क्यूब करता हूं तो मुझे अंडर रूट करता हूं तो मुझे कितना मिल जाता है, यानी कि अगर मैं अंडर रूट 4 करता हूं तो मुझे मिल जाता है 2। यहां से 9 करता हूं तो यहां कितना मिल जाएगा इसका स्क्वायर रूट 3। अगर मैं दोनों की 2 और 3 की मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मुझे मिल जाएगा 6। यानी कि नीचे वाला नंबर क्या हो रहा है, दोनों का अंडर रूट निकालने के बाद मल्टीप्लीकेशन हो रही है। इस तरीके से इसका अंडर रूट कितना 3 और इसका 4, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 मिल जाएगा। इसका कितना होगा 4। अब 20 आपको लेके आना है, 20 आपको लेके आना है तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहां पर क्या आना चाहिए, 5, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो यहां पर कितना होगा आंसर 25। ठीक है, सो राइट आंसर इज 25। चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। सो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पैसिफिक रिलेटेड है ओशियन से, तो नील आपका किससे रिलेटेड होगा। ठीक है, पैसिफिक रिलेटेड है ओशियन से तो नील किससे रिलेटेड होगा यह आपको बताना है। चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। तो आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, हाँ ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, दैट इज नदी। देखो आपको पता है पैसिफिक क्या होता है, पैसिफिक आपका होता है ओशियन और नील क्या होती है नदी। पैसिफिक ओशियन है, नील क्या है रिवर यानी नदी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब यहां से हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर हो सभी को, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है यहां पर। हाँ तो कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा दीजिए, दैट इज इंच डेसीमीटर फुट। तो आगे यहां पर क्या आएगा ये आपको बताना है। हाँ डियर, देखो सीबीटी वन की हम बात कर रहे हैं, अगर एनटीपीसी सीबीटी वन की बात करते हैं तो वहां हम हाई लेवल के क्वेश्चन वहां पर नहीं आते हैं। जो लेवल का क्वेश्चन वहां पर आता है वो सब मैं आपको करा रहा हूं यहां पर। ठीक है, मॉडरेट लेवल क्वेश्चन भी मैं आपको करा रहा हूं, इजी लेवल के क्वेश्चन भी मैं आपको करा रहा हूं। ठीक है, और बीच बीच में मैं क्या कर रहा हूं, एक दो क्वेश्चन आपका कभी कभी मैं हाई लेवल का भी वहां पर करा देता हूं। तो बिल्कुल टेंशन ना लो, बिल्कुल लेवल को जो आपका एग्जाम का लेवल है उसको मेंटेन करके ही हम लोग चल रहे हैं। जब सीबीटी टू आपका आएगा तो उसके लेवल के आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, तो उसकी आप टेंशन ना लो। तो राइट आंसर आ रहा हमारे पास मीटर, जो कि है एकदम सही जवाब। सो राइट आंसर क्या है, मीटर। आपको पता है ये एक इंक्रीजिंग लेवल में आपको दिए गए हैं, दैट इज इंच डेसीमीटर फुट और उसके बाद मीटर। सो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मीटर। चलिए
अब चलते हैं, एक क्वेश्चन और बताता हूं मैं आपको। देखो एक क्वेश्चन यहां पर मैं दे रहा हूं, क्वेश्चन इस तरीके से है कुछ, थ्री फोर फाइव टू 26। फोर फाइव सिक्स थ्री दैट इज 42। ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं 64, 60, 58 एंड डी दिया गया 62। चलिए तो जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। जल्दी से बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो आंसर आने लगा है 62। तो लॉजिक देखिए क्या है यहां पर, लॉजिक यहां पर 26 दिया गया है, यानी कि आपको बड़ा नंबर 26 मिला है, तो हो सकता है इन चारों का यूज करके 26 आया हो। अब इन चारों का यूज कैसे हुआ होगा, तो मैं करके देखता हूं। 5 चौका 20 और 3 दुना 6, तो 26 मिल जाएगा। 4 तिया 12 प्लस 5 छंग 30, तो 42 आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से 5 चौका 20 और 6 सत्ते 42, कितना आ जाएगा 62। सो राइट आंसर कितना होगा 62। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब मैं आपको एक एक क्वेश्चन और दे रहा हूं। बस यहां पर क्या होगा, थोड़ा सा डिजिट चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा डिजिट यहां पर चेंज हो जाएगा आपका। अब वो डिजिट कैसे चेंज होगा वो देख लीजिए आप। इतने में यहां क्वेश्चन लिखूं, सारे के सारे अपना स्कोर बता दो, कितना स्कोर आपने कर लिया है अभी तक स्कोर। ठीक है, किसके कितने सही हैं और किसके कितने गलत हैं, जल्दी से बता दो सारे लोग। सारे लोग जल्दी से बताओ, हाँ कितना स्कोर अभी तक गेन कर लिया है। 7, 21, 3, 5 एंड यहां पर 18, यहां पर दिया गया 4, 27, 9, 5, 23। नेक्स्ट आगे दिया गया 11, 6 क्वेश्चन मार्क एंड 33 एंड 27। ऑप्शन यहां पर आपको दिए गए 7, 6, 5, 4। चलिए अब इस क्वेश्चन में बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। जल्दी से क्वेश्चन को देखिए, लॉजिक फाइंड कीजिए, तो 4 इज द राइट क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल मॉक टेस्ट कराऊंगा, बिल्कुल टेंशन ना लो आप लोग। पहले एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए हमारा, उसके बाद में मॉक टेस्ट भी आपको कराऊंगा यहां पर। तो मैं मंडे से स्टार्ट करने वाला हूं एनालिटिकल रीजनिंग, यानी कि आपके सेटिंग अरेंजमेंट पजल्स वगैरह जो जो आपकी क्वेरीज हैं वो सारी की सारी मैं सोल्व करने वाला हूं। ठीक है, चलिए अब यहां पर बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। सो व्हाट इज द राइट आंसर। तो गाइस सेशन को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ठीक है, एंड जो लोग नए हैं सेशन को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो आंसर आ रहा है 4 आंसर आ रहा है, काफी लोग इसका आंसर दे रहे हैं, दैट इज 4। तो चलिए देख लेते हैं क्या यहां पर लॉजिक है। देखिए यहां पर दिया गया है, देखो यहां पर दिया गया है 7, 5, 3 एंड 21। तो यहां पर आपको चारों का यूज करके क्या लेके आना है, 18 आपको लेके आना है। तो 18 कैसे लेके आ सकते हो आप, तो आपको पता है कि 3 की और 5 की अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मुझे क्या मिल जाता है 15। ठीक है, और इसमें मैं क्या ऐड करूंगा 21/7, तो ये कितना होता है 3, तो ये कितना आ जाएगा 15 और प्लस ये आपका आ जाएगा 3, तो टोटल मिलकर कितना हो गया 18। यानी कि नीचे के दोनों को तो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है और यहां पर डिविजन हो रहा है। तो इसी तरीके से यहां पर 9 पंजे कितने हो गए आपके 45,
यानी कि 9 की और 5 की मल्टीप्लीकेशन प्लस 27 को आप किससे डिवाइड करोगे यहां पर, हाँ 27 को आप किससे डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करोगे यहां पर, ठीक है 27 को, सॉरी ये 4 नहीं 9 है यहां पर, ये 9 है यहां पर आई थिंक, ये 4 है और ये 9 है, ये इस तरीके से दिया गया है यहां पर, तो दैट इज 20 और प्लस 27 अपॉन 9, तो ये कितना आ जाएगा आपका 20 प्लस 3 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा यहां से, ये आपका आ जाएगा 23। आगे करते हैं, तो ये आपका कैसे होगा फिर 11 मल्टीप्लाइड बाई 6, 11 मल्टीप्लाइड बाई 6, ठीक है, या फिर इसको मैं क्या मान लेता हूं, यहां पर देखो इसकी मल्टीप्लाई आपको करनी है किसके साथ, तो ये था कि x मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस 33 अपॉन 11, तो ये कितना आ जाएगा यहां पर, और आपको क्या आया इक्वल टू दिया गया 27, तो इसको आप यहां से सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 3, और ये कितना आ जाएगा 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 27 एंड 6x इक्वल्स टू 24 एंड x इक्वल्स टू 4, सो राइट आंसर इज 4, ठीक है। हाँ तो इस क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक था यहां पर, ये लॉजिक का सेकंड वाले में थोड़ा मिस्टेक था, बट लॉजिक यहां पर यही अप्लाई होगा, ठीक है लॉजिक यहां पर यही अप्लाई होगा। तो मेरा मेन कंसेप्ट था आपको लॉजिक सिखाना। तो कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए, हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए कंप्यूटर जी, सो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23827, एंड क्वेश्चन मार्क, चलिए तो रीतिका जी कह रही है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड आंसर जो है वो गलत है, उसको करेक्ट कर लीजिए, बिल्कुल अभी देखते हैं 2 का सेकंड पार्ट हमारे पास क्या था। चलिए तो आंसर आने लगा है हमारे पास 84, हाँ वो जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराया उसमें थोड़ा लॉजिक रॉन्ग था, मतलब पहले जो पहला वाला था उसमें लॉजिक कुछ और था, सेकंड और थर्ड में लॉजिक कुछ और लग रहा था, तो वहां पर डिजिट का थोड़ा मिस्टेक था। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारे पास आंसर आने लगा है 112, तो चलिए चेक कर लेते हैं क्या है इसका सही जवाब। देखो आपको दिया गया है 2 के बाद 3, तो 2 से 3 मैं कैसे निकाल सकता हूं, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1 इक्वल टू 3, इसी तरीके 3 से मैं 8 कैसे निकाल सकता हूं कि 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 8, अब 8 से 27 कैसे आ सकता है, 8 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 3 इक्वल टू 27, ठीक है अब 27 से नेक्स्ट टर्म आपको निकालनी है और एक एक यहां पर इंक्रीज हो रहा है, तो 27 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 4, तो ये कितना आ जाएगा यहां से, इसको आप ऐड करोगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 108 और प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 112, सो राइट आंसर इज 112, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, क्लियर हुआ, सो 112 इज द राइट आंसर। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो मल्टीप्लाइड बाई प्लस 1 का लॉजिक यहां पर अप्लाई हो रहा है इस क्वेश्चन में, तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था यहां कैसे कैसे लॉजिक आ सकते हैं, मल्टीप्लाई प्लस का लॉजिक आ सकता है, मल्टीप्लाई माइनस का लॉजिक आ सकता है, डिवाइड प्लस का लॉजिक आ सकता है, या फिर डिवाइड माइनस का लॉजिक वहां पर आ सकता है, ठीक है।
चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 है और वो दिया गया है कि 373 एंड 297। चलिए, और यहां पर दिया गया है कि 3 से 17 आपको निकालना है, 17 से 73 और 73 से 297। अब लॉजिक यहां पर क्या लगने वाला है ये हम देखते हैं यहां पर। चलिए तो जल्दी से सोल्व कीजिए, यहां पर क्या लॉजिक लगेगा और मुझे जल्दी से जवाब दीजिए क्या होगा इसका सही जवाब। तो शशि जी ने सबसे पहले जवाब दिया है 1193, 1193। चलिए तो देखते हैं यहां पर सही जवाब क्या आएगा, कैसे आएगा। तो 3 से आपको 17 लाना, तो 3 चौका 12 होते हैं, यानी कि 3 अगर मल्टीप्लाइड बाई 4 12 प्लस 5 कितना हो जाएगा 17। इसी तरीके से 17 चौका, यानी कि 17 मल्टीप्लाइड बाई 68, और 68 में अगर मैं 5 जोड़ देता हूं तो 73 आ जाता है। तो मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 5 का लॉजिक अभी तक मेरा लग रहा है, अब नेक्स्ट में मैं लगा कर देखता हूं क्या यही लॉजिक लग रहा है। तो 73 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 5 तो कितना आ जाएगा, 7 चौक 28 280, और 12 कितने हो गए 292। तो 292 में 5 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 297। ठीक है, अच्छा देखो मैं आज आपको मल्टीप्लीकेशन की एक तरीके की और बताता हूं। जैसे कि आप 73 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 73 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप कैसे करते हो, 3 चौका 12, 7 चौक 28, इस तरीके से, है ना। देखो आप क्या कीजिए, आप इसके नियरेस्ट नंबर ले लीजिए, अगर ये 70 के नियरेस्ट आ रहा है तो आप 70 लीजिए, अगर ये 80 के नियरेस्ट आ रहा है तो 80 लीजिए। तो 70 के नियरेस्ट है तो आप डायरेक्ट 70 की मल्टीप्लाई 4 में कीजिए, कितना आ जाएगा 280, और 3 चौका बचेगा क्या 3 चौका 12 ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा यहां से 292। तो आप इजीली ऐसे काउंट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब आपको क्या निकालना है, नेक्स्ट टर्म निकालनी है, यानी कि 297 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 5। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 5। अब जैसे कि यहां पर 297 दिया गया है, अब ये 300 से कितना कम है, 3 कम है, तो मैं डायरेक्ट 300 से इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूं तो कितना आ जाएगा 300 की मल्टीप्लाई अगर मैं इससे करता हूं तो कितना आ जाएगा ये 1200। ठीक, कितना आ जाएगा 1200, लेकिन ये कितना कम था 300 से, 3 कम था, तो 3 की गुणा किसमें करूंगा 4 में, तो कितना आएगा यानी कि 12, यानी कि टोटली कितना कम होगा 12 कम होगा ये, तो यहां से 12 माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा 1188। ठीक है, 1188, और क्या ऐड क्या करना है आपको 5 इसमें ऐड करना है तो कितना आ जाएगा 1193। ठीक है, क्लियर हुआ, सो 1193 इज द राइट आंसर। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हाँ क्लियर हुआ, सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तो कंप्यूटर जी एक बार क्वेश्चन नंबर 2 दिखा दीजिए, शायद क्या गलती हो रहा था देख लेते हैं उसमें। एक बार क्वेश्चन नंबर 2 दिखा दीजिए, कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि उसमें कुछ गलती है। दैट इज फॉक्स विक्शन एंड बटरफ्लाई कैटरपिलर स्टैग डोए कोल्ट हॉर्स बी ड्रोन। तो कौन कह रहा था इस क्वेश्चन में मिस्टेक है वो मुझे बताइए, क्या मिस्टेक है यहां पर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों आपके सामने आ चुका है। चलिए तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही था, इसका राइट आंसर था, देखो मेल फीमेल का यहां पर कॉम्बिनेशन दिया गया था, मेल और फीमेल का कॉम्बिनेशन आपको दिया गया था, तो यहां पर मेल फीमेल का कॉम्बिनेशन अगर आप देते हैं तो ऑप्शन नंबर बी सही है, दैट इज स्टैग एंड डोए। ठीक है, चलिए तो कैसा लगा दोस्तों आपको आज का सेशन, हमें जरूर बताइएगा लिखकर, और जो लोग नए हैं सेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, चलिए, अच्छा ये कह रहे हैं कि फर्स्ट फीमेल है देन मेल है, ओके माय मिस्टेक दैट अगर पहली लोमड़ी फीमेल है, दैट माय मिस्टेक, सॉरी, बिल्कुल। चलिए लेकिन कॉम्बिनेशन लॉजिक मैंने जो बताया वही लॉजिक है, मेल और फीमेल का लॉजिक वहां पर है, मेल और फीमेल का लॉजिक है, इसलिए डोए और स्टैग आपका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले सेशन में, यानी कि अगला सेशन आपका होने वाला है जीएस का, तो मैं मिलूंगा आपसे फिर मंडे को, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद। आप किसी भी मूवी को कंटिन्यूअसली 3 घंटे तक देख सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें लव होता है।
उसमें एक्शन होता है, उसमें किसी का स्ट्रगल होता है, और उसके लिए सिर्फ एक चीज की जरूरत होती है और वो है आपका सिलेक्शन। और किसी ने कहा है अगर आपको किसी काम में डर लगता है तो उसी काम को कर दीजिए, डर की अपने आप मौत हो जाएगी। और आप लोगों के इंग्लिश के फियर को दूर करने के लिए इंग्लिश को एक मूवी की तरह इंटरेस्टिंग बनाकर मैं इंस्पेक्टर बीडी आ रहा हूँ 6 अप्रैल को रात 8 बजे ओनली एट अड्डा 247 द इंग्लिश नाइट के साथ।